कहते हैं जब तक इंसान के सीने में दिल धड़कता है तब तक उम्मीद उसके साथ रहती है। उम्मीद इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है जो कभी आविष्कार के रूप में सामने आती है, कभी इंसानियत बनकर समाज का उत्थान करती है। जिंदगी से हार चुके इंसान को आशा की एक किरण भी मिल जाए तो उसमें नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस सारे संसार को अगर कोई चीज चला रही है तो वो है एक आशा की किरण, रे ऑफ होप। भारत देश हरा भरा, स्वस्थ और शिक्षित बने इस उम्मीद और उद्देश्य के साथ उत्थान समिति ए रे ऑफ होप की नींव रखी गई। श्रम कानून सलाहकार और पत्रकार सत्येंद्र सिंह ने बबीता सिंह के साथ मिलकर जब इस संस्था की नींव रखी तब बस एक बात दिमाग में थी, किसी तरह से वो समाज के उत्थान में योगदान दे सके। मेरी माता श्री पहले कहा करती थी कि आप भगवान के लिए कुछ पैसे निकाला करो, जैसे कुछ भी आपकी जो कमाई होती है तो उसमें से कुछ पैसे भगवान के लिए आप निकाल के भगवान के गुल्लक में डाला करो, तो वो मैं डालता था। इसके बाद फिर पिताश्री ने कहा कि आप इन्हीं पैसों का इस्तेमाल आप किसी समाज सेवा के काम के लिए उसके लिए आप कर सकते हो, जिससे कि समाज के लोगों का भला होगा और जो शोषित हैं और निचले तबके के हैं और गरीब लोग हैं उनकी आप मदद करोगे, तो ये भी एक तरह से भगवान की सेवा है, भगवान का ही आप सेवा करोगे। तो इस तरह से फिर उत्थान समिति की स्थापना हुई। सत्येंद्र सिंह जहां विभिन्न कंपनियों को श्रम कानून की सलाह देने का कार्य करते हैं, वहीं इन कंपनियों और कारखानों में श्रम से जुड़ी समस्याओं को मुख्य रूप से अपने अखबार उद्योग विहार में उठाते रहते हैं। अखबार को उन्होंने समाज से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने का एक माध्यम बनाया है। दो लोगों की लगन से शुरू हुई उत्थान समिति में आज अलग अलग क्षेत्र से 28 लोग सक्रिय सदस्य बन गए हैं। इन सदस्यों में राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और समाज के प्रति समर्पण की बदौलत संस्था समाज से जुड़े कई अहम कामों को करने में सफल रही। उनके अलावा रमेश चंद्र माथुर, इंद्रजीत शरण वर्मा, कमलकांत शर्मा, विनीत गोयल, जितेंद्र चौधरी, राजेश सिंह, मनोज मिश्रा, शिवाकांत अत्री, दीप माला, सुनील कुमार मिश्रा, अरुण त्यागी, रीना चौधरी, उमा मिश्रा, अमिता गोयल, संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल वशिष्ठ, अपर्णा, योगेश वशिष्ठ, राजेश नागर, विनोद कुमार सिंह, रूबी सिंह, सोनाली सिंह, मंजू जैसे कर्मठ सदस्यों की वजह से संस्था असंभव लगने वाले कामों को भी करने में सफल रही। और इसी तरह से लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं उत्थान समिति से विगत 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहा हूँ। जुड़ा सिर्फ इसलिए हूँ कि इस समिति के जो उद्देश्य हैं और जो कार्य हैं वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ हम लोग जुड़े हुए हैं। उत्थान समिति से लगभग 4 वर्षों से जुड़ा हूँ। उत्थान समिति तरह तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। इस संस्था से जुड़ने के उद्देश्य मेरे बहुत से थे। संस्था बहुत अच्छी काम कर रही है और गरीबों के साथ भी काम कर रही है, सफाई के लिए भी काम करती है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पिछले लगभग 4 वर्षों से इसमें उत्थान समिति से जुड़ा हुआ और इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया हमको सत्येंद्र सिंह जी ने, जो उन्होंने अच्छे काम किए, तमाम आयोजन समाज के हित में किए, जो चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो, चाहे सफाई अभियान से जुड़े कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हो, तमाम ऐसे काम उन्होंने किए जिससे मुझे प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि समाज उत्थान समिति से जुड़ना चाहिए।
भारत स्वच्छ रहे इसके लिए जरूरी है कि देश का हर एक नागरिक जागरूक हो। हम अपने आस पड़ोस को साफ रखें तो देश खुद ब खुद साफ हो जाएगा। इसी बात के मद्देनजर संस्था ने क्लीन ग्रीन हेल्दी एवं एजुकेटेड इंडिया अभियान का आरंभ किया, जिसके तहत कई रेजिडेंट वेलफेयर अथॉरिटी और सोसाइटीज में गार्बेज बिन का वितरण किया गया, जिससे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने की आदत बन सके। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था ने नाटकों का आयोजन भी किया। इसके अलावा जहां कड़ाके की सर्दी से किसी गरीब की जान न जाए इस बात के चलते कंबल बांटे गए, वहीं उत्तराखंड में आई विपदा से निपटने के लिए 4 ट्रक राहत सामग्री भी भेजी गई। संस्था समय समय पर रक्तदान शिविर भी लगाता रहता है। संस्था ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया, जिससे लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ सके। लोगों में नेत्रदान और अंगदान को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर लगाए गए, जहां लोगों ने नेत्रदान और अंगदान की शपथ ली और संकल्प पत्र भी भरे। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से फेसबुक पर 2 पेज इंडिया नारी शक्ति और नारी शक्ति ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इन दोनों पेजों की खास बात यह है कि इनके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी टिप्स दी जाती है, वहीं जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क कानून मदद भी दी जाती है। बच्चों का भारतीय साहित्य में रुझान बढ़े इसके लिए गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें जाने माने साहित्यकार बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। पर्यावरण के विस्तार के लिए संस्था ने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। संस्था के पर्यावरण के प्रति किए गए प्रयास की सफलता का आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद के अवंतिका क्षेत्र में जो जगह कभी कूड़ा घर हुआ करती थी, जहां से उठने वाली बदबू ने लोगों का रहना दूभर कर दिया था, वहां आज चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और हवाओं में फूलों की खुशबू बिखरी रहती है। इसके अलावा गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा हो, गरीबों के घर को दिवाली में रोशन करना हो, कुम्हारों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों में मिट्टी के दिए बांटना हो, या फिर बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना हो, संस्था ने हर क्षेत्र में उम्मीद बांटने का काम किया है। ये उम्मीद एक भावना बनकर तब उभरी जब उत्थान समिति की महिला सदस्यों ने वाघा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी। वो पल ऐसा पल था जब सीमा पर तनाव में रहने वाले जवानों के चेहरे पर सुकून और उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए जो शुभकामना संदेश भेजे, उसे सुनकर वे इस कदर भावुक हुए कि उन्होंने भी उन बच्चों को जवाब देने का मन बना लिया। इस मौके पर जहां CEO GK बिरदी ने उत्थान समिति के सदस्यों के इस प्रयास की सराहना की, वहीं कार्यक्रम में उपस्थित JK सिंह ने इसे जवानों का उत्साह बढ़ाने वाला आयोजन बताया। इस मौके पर मौजूद संस्था के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी भाइयों को अपनी बहन को उपहार में ये विश्वास देना चाहिए कि वो दूसरों की बहन का सम्मान भी अपनी बहन की तरह ही करेंगे। साथ ही जवानों के साथ गुजारे पलों को उन्होंने कभी ना भूलने वाला लम्हा बताया। उत्थान समाज सेवा की दिशा में लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अवार्ड अब्दुल कलाम अवार्ड शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग अपने क्लीन ग्रीन हेल्दी और एजुकेटेड इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए आगे एक अब्दुल कलाम अवार्ड शुरू करने जा रहे हैं। यह अवार्ड हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है, जो कि उनकी याद में दिया जा रहा है, ताकि लोग उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें तथा समाज को अपना बहुमूल्य योगदान दें। चलें हम नए तीर्थ की ओर, चलें हम नए तीर्थ की ओर, जहां न काबा जहां न काशी ना गंगा का शोर, चलें हम नए तीर्थ की ओर, चलें हम नए तीर्थ की ओर, चलें हम नए तीर्थ की ओर।
जहां पर सागर करे हिलोर, जहां पर राम नाम का शोर, जहां पर शिव बाबा का धाम, वहीं पर जन्मे अब्दुल कलाम, वहीं पर जन्मे अब्दुल कलाम। तो उसी तीर्थ के दर्शन से होगी भारत की भोर, चलें हम नए तीर्थ की ओर, चलें हम नए तीर्थ की ओर। जहां पर धर्म जहां विज्ञान, एक संयोग देखिए, जहां धर्म होता है वहां विज्ञान नहीं होता। लेकिन रामेश्वरम एक ऐसा तीर्थ स्थल है, एक ऐसा पूजनीय स्थल है कि जहां पर धर्म भी है और वहां पर विज्ञान का एक महामाधव वहां से जन्म लेता है। तो एक संयोग है उस धरती का, और मैं रामेश्वरम की धरती को प्रणाम करता हूं, जहां से हमारे महामाधव, हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जो है उद्गम होता है जहां से उनका। कि जहां पर धर्म जहां विज्ञान, जहां पर धर्म जहां विज्ञान, वहां का एक योगी निष्काम, जहां पर रामेश्वर है धाम, वहीं पर एक मिसाइल मैन कलाम, वहां पर मिसाइल मैन कलाम। जिनकी अग्नि मिसाइल से दुश्मन होता कमजोर, चले हम नए तीर्थ की ओर, चले हम नए तीर्थ की ओर। तो मिसाइल मैन किस प्रकार का व्यक्तित्व थे? कि जादुई था वो एक चिराग, जादुई था वो एक चिराग, पोखरन में छेड़ा था राग, पोखरन में छेड़ा था आग, कि जिससे उगल सके हम आग, ए दुश्मन भाग सके तो भाग, ए दुश्मन भाग सके तो भाग। तो अग्नि पृथ्वी सूर्य मिसाइल है घातक घन घोर, चले हम नए तीर्थ की ओर, चले हम नए तीर्थ की ओर। मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूंगा कि अग्नि एक छोटी मिसाइल है, पृथ्वी उससे बड़ी मिसाइल है, और सूर्य नाम की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक ICBM मिसाइल है, जिससे हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आक्रमण कर सकते हैं। और इस प्रकार की मिसाइल को बनाने वाले, उसको जन्म देने वाले हमारे महामानव, हमारे वैज्ञानिक, हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी हैं, और ये उन्हीं के ऊपर समर्पित है। तो अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं कि करोड़ों दिल में बसता जो, करोड़ों दिल में बसता जो, युवा में गौरव भरता जो, जगाता सपने दिन के जो, देश का महाप्रणेता वो, देश का महाप्रणेता वो। तो उसके पथ पर चल कर कर लो भारत का उद्घोष, चले हम नए तीर्थ की ओर, चले हम नए तीर्थ की ओर, चले हम नए तीर्थ की ओर। गांधी जी का मानना था कि अगर देश का संपूर्ण विकास चाहते हो तो आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के बारे में सोचना। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई तो समझ लेना कि देश का विकास हो गया। इस बात को गांठ बांधकर उत्थान देश के हर कोने में उम्मीद का विस्तार करने में लगी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, जो स्वच्छ, हरा भरा और जहां के नागरिक पढ़े लिखे और सेहतमंद हो। आप हमें अपना योगदान भी दे सकते हैं।